नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पाकुड़ जिला के अमरापरा में हुए दर्दनाक बस हादसे में जहां सबको झकझोर कर रख दिया है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना में जारी दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की बात कही थी, जिसके बाद झारखंड सरकार सक्रिय हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई मौत के परिजन को सरकार के द्वारा मुआवजा राशि की गई वितरण। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने मृतक के परिजन को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि जो झारखंड सरकार के द्वारा दी गई। वही विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि सरकार मृतक के परिजन के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। जो भी घटना है बहुत दुखद घटना है। हम लोग सभी लोग शोकाकुल परिवार के साथ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको शांति प्रदान हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मृतक के परिवार को 1,00,000 रुपये का चेक देने का काम किया और 6 महीने का भोजन सामग्री, जिसके तहत आज हम लोग 1,00,000 रुपये का चेक, 50 किलो चावल, दाल, कंबल, धोती, लुंगी, साड़ी देने का काम किए और भी जिस तरह के सहयोग होगा, मदद होगा, हम लोग परिवार के साथ हैं। नौकरी वाले बंदे और जो इनके नौकरी है उनके भी परिवार को बोले हैं कि तत्काल उनको दे दिया जाए। और इन अभी हम प्रिंसिपल साहब से बात किए कि ये चूँकि सरकारी कर्मचारी थे, इनके जगह इनके बेटे का अनुकंपा के आधार पर नौकरी फाइल बढ़ाया जाए और इनकी जो भी राशि होती है वो तत्काल देने का काम किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।